अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैफ अहमद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हवा काफ़ी तेज़ चल रही, पता नहीं आवाज़ सही से आ रही होगी नहीं आ रही होगी, थोड़ा साइड में हो जाऊँ मैं। तो आज था जुमा, जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं निकला हूँ। सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सुपरमार्केट में जाकर यहाँ के फ्रूट्स वगैरह के रेट कंपेयर कराए जाएँ, दिखाया जाए कौन कौन से फ्रूट यहाँ मिलते हैं, रेट क्या रहता है, और चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो आज का पूरा जो ये ब्लॉग होगा वो सीधे सीधे ग्रॉसरी पर होगा कि कितने की मिलती हैं, क्या चीज़ें कितने किस रेट में होती हैं। तो फिर उम्मीद करता हूँ आप बने रहेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एंट्री किए हैं, तो यहाँ पे एप्पल से शुरू करते हैं। रॉयल गाला फ्रांस, ये आपका है 6.50 रियाल का। बाकी कुछ इधर लगे हुए हैं, ग्रेप फ्रूट साउथ अफ्रीका, बाद एप्पल ग्रीन स्पेन, ये मैंने खाया था, ये थोड़ा खट्टा होता है। तो ये मैं नहीं लूँगा। अब बात करते हैं, ये रहा न्यूजीलैंड का एप्पल पिंक लेडी, 13 रियाल का है ये, बहुत महंगा, देख सकते हैं आप। चाइना की चेस्टनट, ये फ्रांस का गोल्डन एप्पल, देख सकते हैं। ये मैंगो, केन्या का मैंगो, इंडिया, जैसा कि आप ये टमाटो देख सकते हैं, ये जॉर्डन का है, 3 रियाल का, ताज़ा ताज़ा आया हुआ है। गाजर है यहाँ पे, ये आपकी है 6 रियाल की, ऑस्ट्रेलिया की है। कतर के प्रोडक्ट ये रहे, पता नहीं किस क्या कहते हैं, पूसा फार्म कतर का, ये भी है चिली लौंग, ये कतर की मिर्च है, इतनी बड़ी। बाकी सब कतर के प्रोडक्ट हैं, करेला ये कतर का है। ये लौकी वगैरह, तो मैं टहल टहल के आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप देखें। मैं बहुत कम दिखूँगा, थोड़ा आपको दिखाता रहा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑयल वगैरह का सेक्शन है, शायद अच्छी आई लाइटिंग सही है। चावल वगैरह हैं यहाँ पे, तो आपको चावल दिखा देता हूँ मैं। इंडिया का ये बासमती राइस 18 रियाल, क्या 2 kg है, 2 kg 18 रियाल में। इंडिया के बासमती राइस 23 रियाल में, 23.25। ये आपको पता किलो 2 kg ये भी है बासमती राइस, आप देख सकते हैं। बाकी और कुछ दिखाता हूँ मैं, आप देखें, या नूडल्स वगैरह भी मिलते हैं। जी यहाँ पे भी मैगी मिलती है 6.50।
और भी बहुत सारे आइटम हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ कि जो इंडिया में मिलती है, तो कंपेयर करता हूँ इंडिया के रेट में और यहाँ के रेट में क्या फ़र्क है। तो सामने लहसुन दिख रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, देखें आप। चलते चलते मैं ये बिस्किट के जोन में आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं गुड्डे, गुड्डे यहाँ पर जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 2.50 रियाल का, ढाई रियाल में ये गुड्डे। पार्ले जी ये आपका 1.75 रियाल का। यहाँ पे क्या है, पेस्ट्री केक वगैरह के सेक्शन से। ये तुर्किश है, ये हम लोग खाते हैं, सही होता है। बाकी एगो में ये काफ़ी कई वैरायटियां हैं। मैं आपको पेप्सी कार्ड बताता हूँ। पेप्सी जो है आपकी कैन वाली, वो है 2.25 रियाल की, देख सकते हैं आप। और कोक की ये भी सेम रेट है, 2.25, दोनों के सेम रेट है। रेड बुल की आप देख सकते हैं 9.50, ये शुगर फ्री है और ये शुगर वाला है, सेम रेट। तो ये है कतर में कोल्ड ड्रिंक्स के प्राइस। ये फैंटा 4 रियाल में आपको मिलेगा 1.5 लीटर की, 1.5 लीटर की करीब। या इस तरह से पानी की बॉटल्स मिलती हैं पूरी साथ में, देखते हैं। पानी की बॉटल यहाँ पे 1 रियाल की मिलती है, 30 ml, उसमें कई रेट रहते हैं। 1 रियाल की ये ऐसे इस टाइप का, ये भी वाटर मिलता है बॉस का, 5.75 रियाल की है ये। चीज़ें बहुत है दिखाने के लिए, लेकिन बस वही है कि क्या दिखाएं, क्या क्या दिखाएं, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो और जब शूट कर रहा हूँ तो इसमें वाइड एंगल वाला मोड ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। इसीलिए मैं वन प्लस के फ़ोन से एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा। इस पर मैं रिव्यू देने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो चलते हैं चाय की दुकान पर, चाय पीते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं। तो मैं ऐसी एंट्री किया था, सोचा कि चलिए आप लोगों को यहाँ के रेट वगैरह दिखा दें, फ्रूट्स के रेट क्या होते हैं। फिर बाहर निकलते हैं, वैसे यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही सब भीड़ भाड़ है थोड़ा। और ये फल फ्रूट्स थे, चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, समझ में आया होगा रेट, जो एक जहन में रेट होता है कि वहाँ पे चीज़ों का रेट क्या होता है, तो वो शायद आपको पता चल गया होगा। मुझे यहाँ पे ये फेस वॉश नज़र आया है, गार्नियर मेन का टर्बो ब्राइट 2-in-1, जो कि ये आपका है 100 ग्राम का। और ये है आपका रियाल का। तो आप कमेंट करके बताएं कि इंडिया में कितने का है, या जिस मुल्क से आप हैं वहाँ पे कितने का है।
और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप देख लें कि कतर में दुकानें किस तरह से होती हैं, कुछ इस तरह से एक लाइन से कुछ इस तरह से दुकानें होती हैं और रोड इतनी चौड़ी होती है, और ये होती है उनकी पार्किंग। पार्किंग के बाद भी इतनी जगह बचती है कि दो गाड़ियाँ एक इस तरफ से एक उस तरफ से निकल सकें, और सारी रोड इतनी चौड़ी होती है यहाँ पे। तो वहाँ से निकलने के बाद हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट क्या है, ये डेली कड्डा है, यहाँ हम आके चाय वगैरह पीते हैं। तो अभी मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है, नॉर्मल 2 रियाल की है, ये 2 रियाल माने तो 44 इंडिया के हिसाब से 44 रियाल की, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1 रियाल की चाय है। तो कुछ आप लोग देख लें इस तरह से, तो फिर चाय कॉफ़ी है, फिर बात करते हैं। यहाँ का रेट दिखा दिया ना, हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, जो कि ये सिर्फ है 44 रियाल की, इंडिया से कंपेयर करेंगे तो 44 रुपए की, जिस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है। शादियों में तो हम ऐसे 2-3 घटक जाते हैं, इसकी वैल्यू आज पता चल रही है क्या है। पीते हैं फिर मिलते हैं बाद में। तो यार हम रेस्टोरेंट से भी निकले, वहाँ पे वीडियो ढंग से बना नहीं पाई, क्योंकि अभी जो होता है ना कैमरे के सामने इंसान खुल जाता है, लोगों की परवाह नहीं करता, तो वो अभी नहीं हो पाया। थोड़ी सी शर्म लगती है और थोड़ा अजीब लगता है, बस ज़्यादा नहीं, अगर 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज़ आने लगी, पैसा आने लगा, तब क्या है कि लोगों को बताते भी शर्म नहीं आएगी कि यार मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं बना रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है कि व्यूज़ आ ही नहीं रही है, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी बनाया हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप कुछ सजेस्ट करिए किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या दिखाऊँ। तो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।